के पीछे की नसें टाइट हो चुकी हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हालचाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और हमें अभी पुरने में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फुटकल मोनेस्ट्री, जहाँ हमने स्टे किया हुआ है डोलमा में। वहाँ तो मुंबई के निकलने भी स्टे किया हुआ है वहाँ पर, और अभी मिली थी हम सुबह में, सेल्फी वगैरह भी क्लिक करवाई, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। एंड अभी दो बाइक्स को लेके जा रहे हैं, तीन बाइक्स को लेके जा रहे हैं, और दो बाइक्स को यहीं पर छोड़ रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ भैया की जो बाइक है नितिन भैया की, वो लोडेड है, सामान रखा हुआ है, मेरे पैनियर्स हैं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और ये है धीरज भैया, नितिन भैया, पीछे विकास भैया, गिरे हुए राइडर, गिरे हुए इंटरसेप्टर, भैया कल रात को गिर गए थे। एनीवेज अब लेके चल रहे हैं मेरी बाइक, जो चलाएंगे नितिन भैया, धर्मेंद्र भैया की बाइक, और साथ में लेके चल रहे हैं विकास भैया की बाइक। इन दो बाइकों पर सामान लोडेड है, तो उसको वहाँ ले जाके इनसिक्योर ऐसे खड़ी करना दिक्कत है। तो चलो जी, अब हो चुका है निकलने का टाइम, और मैं बैठ रहा हूँ और नितिन भैया के पीछे। ये देखो बाइक के हाल, बहुत ज़्यादा हाल बिगड़ चुके हैं बाइक के, और ये नितिन भैया राइड करते हुए विदाउट हेलमेट। हेयर इज द मैन भैया, है खाली चलाने में अजीब सी लग रही है। खाली हुई कहाँ है अभी? अभी का खाली है आपकी बाइक, मैं हटा दिया उसी से ऐसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिर मत जाना, गिर मत जाना। लाइटें ऑन है, और ये है भाई व्यूज, जो बहुत ही अलग लेवल है यार। नितिन भैया बाइक चला रहे हैं, और जो मुझे डर था वही हुआ, इसका बाइक का कॉन्सेप्ट जा चुका है, और साथ में ये व्यूज देख लो भाई। आज अपनी बाइक पे पहली बार पीछे बैठ रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। झूले झूले झूले, आराम से यहाँ कर दिए अपन ने पार्क। ये विकास भैया की बाइक, मेरी बाइक, जल्दी चलो, ये अपनी बाइक, संतोष भाभी आगे गई है, और भाभी बोला है। नाउ वी आर गोइंग टू फुटकल मोनेस्ट्री, इज विकास भैया, धीरज भैया और लाला भैया, एंड धर्मेंद्र भैया पीछे, नितिन भी अपनी व्लॉगिंग करते हुए। अब चल रहे हैं भाई फुटकल मोनेस्ट्री के लिए, कुछ नहीं पता कहाँ से ट्रैक करना है, कहाँ से नहीं करना। भैया बोल रहे कि वहाँ से चलना है, कल मोनेस्ट्री के ट्रैक पे चले। अभी तो मेरे हिसाब से मैंने 50 कदम भी नहीं रखे होंगे, और सांस फूलना स्टार्ट हो चुकी है। क्यों बोलते हैं, यहाँ बाइक और गाड़ी नहीं आ सकता, तो आपको ट्रैक कैसे है भाई? ये ट्रैक, और अभी तो अभी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बाइक आ सकती है। मैंने बोला था सबको कि अपन गलत जगह जा रहे हैं, बट आगे माना नहीं। ये देखो आगे रोड है, ब्लॉक्स, अब अपने को वापस जाना पड़ेगा। बोला था ना आपको नितिन भैया, सारे के सारे व्लॉगर है भाई, सिर्फ एक धीरज भैया को छोड़ के, लाला जी को छोड़ के, बाकी सब बस सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये ट्रैक कर रहे हैं, इनके प्रॉपर ट्रैकिंग शूज, तब भी इनकी हवा निकल रही है। ऑफ रोड टायर लगवा के आए विकास, ऐसी प्रॉपर ट्रैकिंग शूज भी आए हैं भाई। ये रोड्स, ट्रैक खतरनाक, सबसे गंदे शूज मेरे हैं, मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के आया हूँ, भैया ट्रैक शूज पहन के आए हैं, और सबके शूज अच्छे हैं, बट एक मेरे शूज बेकार हैं। दिखाओ आपके शूज, ये बेकार हैं, इसके भी ऐसे ही हैं। सुनो फोके हुए भी हमें, और जूते भी सबसे सड़े हुए हमारे पास। चलो यहाँ कोई बाइक चला सकता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हमें तो हिम्मत नहीं थी, तो सोची भी नहीं हमने, क्योंकि यहाँ से अगर गिरते ना तो सीधा नदी में जाते। एनीवेज भाई लोगों, बहुत मजा आ रहा है इस ट्रिप पे, आते वक्त जो हवा निकलेगी ना वो पता लगेगी बाद में।
भैया जिस बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहे हो ना, लहराते हुए तरीके से नीचे मत आ जाना। हाँ फिर दिल के तराने निकलेंगे, ऐसे लहरा के यूं बल खा के वापस आ गई। हाउ इज द फील? बोलो। सांस नहीं आ रही भाई। भाई अब आ चुके सेंडिंग। अब कैसा फील आ रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, एकदम ब्लैंक हो गया, ब्लैंक दिमाग। ब्लैंक क्या कर रहे हो? क्या करें, वापस कैसे आएंगे? मैं ये सोच रहा हूं। अभी तो पता है डिसेंडिंग ज्यादा थी, आते वक्त असेंडिंग ज्यादा मिलेगी। होए होए होए, उतरना नहीं दुख देता जितना क्लाइंबिंग दुख देगी अपने को अभी। दिस इज द ट्रैक। और ये धर्मेंद्र भैया व्लॉगिंग करते हुए, ज्यादा नहीं बस इतनी फटने वाली है। शुरुआत है भाई, तो ऊपर देखो, ये देखो भाई पूरा असेंडिंग असेंडिंग है भाई। अब डिसेंडिंग तो गए, अब बस हिम्मत ही करनी पड़ेगी। बस हिम्मत के अलावा हमारे पास मसल्स तो है नहीं, तो हिम्मत से चलेंगे भाई। ये ना हमारे पास मेनी मोर पैक्स, वी बोथ हैव अ मेनी मोर पैक्स, वी हैव पैक बट ओनली वन सिंगल पैक। या नाउ लेट्स गो। छोटे कदम, सांस ना फूले, क्योंकि यहाँ सांस फूल गई तो सांस नहीं आनी है। भाई हवा टाइट इतनी टाइट कि भैया के पीछे की नसें टाइट हो चुकी हैं। चलो चलना तो पड़ेगा। आज तो ना फट के हाथ में आ गई चढ़ाई, देखो हे भगवान, साथ में व्यू देखो भाई। ओए होए होए, सांस फूल गई बुरी वाली, बिल्कुल स्टीफ चढ़ाई है भाई। लुक एट द व्यू गाइस, मानना पड़ेगा फुटकल्ट का ट्रैक बहुत हार्ड है, बट व्यूज वगैरह देखोगे तो बहुत मस्त है भाई। या बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, ये देखो वो देखो, ओ भगवान। अब ये नहीं पता भाई कितना रास्ता कवर हुआ है और कितना नहीं हुआ, बट स्टिल दिस इज द ओल्ड ब्रिज एंड दिस इज द न्यू ब्रिज, एंड देखते हैं अपन किससे जाए। मन तो पुराने वाले ब्रिज से जाने का है, एंड सामने एक वाटरफॉल अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो। सो मैं और नितिन भैया ने जाने का सोचा है ओल्ड ब्रिज से, वो लोग जा रहे हैं नए ब्रिज से, और भाई ये देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डेड है ब्रिज। तो मैं और नितिन भैया थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, एंड होप सो अपन पहुंच जाएंगे अच्छे से। भाई ओल्ड ब्रिज क्रॉस करने में ना हवा निकल गई, एंड व्हेन आई वाज इन मिडिल और मैंने नीचे देखा तो मुझे ना सच में चक्कर आ गया यार, मतलब पूछो मत, मेरा हाल खराब हो गया था उस टाइम पे तो। बट स्टिल मी एंड नितिन भैया, ये देखो मैं आपको मॉनेस्ट्री दिखा देता हूँ, वो अगर आपको दिख रही हो तो वो मॉनेस्ट्री का गेट है, वहाँ से मॉनेस्ट्री बहुत पास है, तो चलो जी चलते हैं। भाई गेट के नज़दीक तो आ गए हैं, बट थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि हाँ अपन पहुँच गए हैं, बट अभी ये नहीं पता गेट के अंदर भी कोई ट्रैक है या नहीं है, आई रियली डोंट नो। बाकी आगे चलते हैं, पता लगेगा। हे भगवान क्या करवा रहे हो आप। वेलकम टू फुटकर मोनेस्ट्री, दिस इज द मेन गेट ऑफ फुटकर मोनेस्ट्री। भाई आ गई मोनेस्ट्री। ओए होए भाई, दिस इज डिफरेंट यार, पहाड़ों के अंदर मोनेस्ट्री, दैट्स सो अमेजिंग यार। चलो लेके चलते हैं आप लोगों को। व्हाट अ व्यू गाइस, सच बताऊं ना झंस्कार वैली का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा अभी तक। लुक यार कहाँ बनाई हुई है मोनेस्ट्री, अमेजिंग। फुल व्यू देखो भाई, क्या जन्नत है। ओए होए 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 भाई, क्या खूबसूरत जन्नत है यार ये। और यहाँ ये वाटर क्रॉसिंग आ गई अपने लिए। फाइनली भाई पहुँच गए अपन मोनेस्ट्री के गेट पर, तो चलो अब आपको लेके चलते हैं अंदर मोनेस्ट्री में, जिसके लिए इतना ट्रैक इतनी मेहनत की है। हो भगवान, यहाँ पड़ा है अंबुजा सीमेंट के कट्टे। अभी तो अंदर भी चढ़ाई है भाई, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए अंदर की तरफ, ये देखो भाई ये देखो। ओए होए होए,
भाई लुक एट द व्यू। अब आप कह रहे हो इसमें क्या ही व्यू है, तो ये लो जी आप मारो ना सर, दिस इज द व्यू एंड दिस इज द व्यू। ऑसम भाई, मतलब ऊपर आना ना, ठीक है माना कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न हुई हैं, बट ऊपर आके ना एक सुकून, शिद्दत वाला सुकून मिला एक। धीरज भैया जी क्या कहना है आपका? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पीसफुल जगह। और बाकी ऊपर जाके ही पता लगेगा, अभी तो स्टेयर्स और चढ़नी है यार। वो देख रहे हो सामने गेट येल्लो येल्लो रेड, वहाँ एंट्री थी और वहाँ से करते करते अब यहाँ आ गए। तो अब लगा लो कितनी देर लगी, वहाँ से यहाँ तक भी आधा घंटा लगा है और पूरी ट्रैकिंग में टाइम लगा है हमको करीबन 3.5-3 घंटे। हे भगवान, 2-2.5 घंटे अभी जाने को भी चाहिए। चलो करेंगे भाई। एंड भाई ये मॉनेस्ट्री के अंदर का कुछ, और यहाँ इनकी किचन। जुले स्टीव स्टीव स्टेयर्स हैं ये, सॉरी। ओहो भाई बिल्कुल टॉप पे आ गए हम। तो अंदर अभी यार कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं तक व्लॉग बनना था शायद, हमारी किस्मत में यहीं तक था। पर ठीक है यार अंदर अलाउ नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्पज से कह लो या किसी भी पर्पज से कह लो, बट इट्स गुड, नहीं होना चाहिए। एंड अभी और ऊपर जाना है अपने को यार। भैया तो ये देखो, अगर आपको दिख रहे होंगे ये ऊपर भैया, तो चलो छोटा सा कैमरा है, यहाँ से अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, चलो इसको बंद कर देते हैं। ऊपर से आ रहे थे भाई ट्रैक कर करके थक गए थे, और अभी अपन ने ऐसा नीचे कैंटीन पड़ती है जस्ट मॉनेस्ट्री के करीबन आधा किलोमीटर नीचे, और वहाँ हमने भाई कॉफी चाय मैगी ये सब और खाना वाना खा पी के मतलब फ्री हुए हैं। अभी चल रहे हैं वापस पुरने, और वहाँ जाके बाइक वाइक लोड करनी है, फिर उसके बाद पुरने से निकलेंगे पदुम के लिए, और स्टे आज अपना पदुम में होने वाला है। तो टाइम हो चुका है अभी 12:15 बज चुके हैं, नीचे पहुँचते पहुँचते आराम से हमें 3:30 बज जाएंगे, और पदुम पहुँचते पहुँचते अपने को 6:30 बज जाएंगे। तो चलो जी आज की जो ये राइड है और ट्रैक है ये बहुत टायर्डनेस होने वाला है, रात को जाके जो नींद आने वाली है ना वो बहुत अलग लेवल की होने वाली है। अरे हाँ जी मेरे पीछे क्या हुआ? कुछ नहीं बस इंटरनेट आया तो थोड़ा मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ट्रैक का जो सीन है बहुत ही बढ़िया ट्रैक, तो बहुत बढ़िया सच में, सच में मतलब समझ लो, मतलब फीलिंग समझ लो, फीलिंग को समझो, अपने आप समझो, कभी करा नहीं है ठीक है, फीलिंग समझो। मेरा और धीरज भैया का ये आज पक्का हो गया है कि हमारा फर्स्ट और लास्ट ट्रैक था, हम वापस नहीं आने वाले ट्रैक पे। सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड है, नहीं आ पाएंगे, वो कोई रीज़न है हम क्यों नहीं आएंगे, बट हम नहीं आएंगे आगे से, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। एंड अभी ये जो फीलिंग जो नई जाहिर हो रही है ना, अभी वापस चलते वक्त मैं आपको दोबारा कैमरे सामने करूँगा, तब प्रॉपर तरीके से फीलिंग जाहिर होंगी। तो चलो जी कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से पदुम के लिए, सॉरी पुरने के लिए, पुरने। चलो पुरने से पदुम, पुरने टू पदुम, वो अलग व्लॉग आएगा, वो इस व्लॉग में नहीं नेक्स्ट व्लॉग में होगा। हमसे बिना वेट के नहीं चढ़ा जरा, और इनके लिए सच में सल्यूट है भाई, हाल खराब हो गए भाई, अब कभी नहीं करूँगा ट्रैक, फाइनल हो गया। वो देखो सामने लेडीज भी आ रही है, देखो हिम्मत है भाई, बहुत हिम्मत है इनकी। हे भगवान ऐसा कष्ट, ओ भाई अभी अगर नीचे नहीं देखता ना तो मेरे लग जाते। जुले इनके लिए सच में एक सल्यूट, ये इतना वजन लेके आते हैं, सच में आपके लिए सल्यूट है यार। ट्रैक करके ये हाल हो गया है, पूछो मत, बॉडी इतनी टायर्ड हो रखी है, लोगों को फीवर अलग हो गया, और अभी बज रहे हैं भाई 4, अभी जा रहे हैं भाई पडुम, हुए यहाँ से 57 किलोमीटर, जिसमें से 30 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, करीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और मेरी बॉडी है ना बिल्कुल साथ नहीं दे रही, मेरा बहुत गंदे हाल हो रखा है, बट ट्राई तो करना है, ट्राई कर पहुँचना ही पहुँचना है इस पडुम, और तबीयत ठीक होती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो भगवान जाने किया ही होगा। तो चलो जी करते हैं इस व्लॉग को एंड यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।